हाय गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देखकर खत्म किया था ग्रेट इंडियन मर्डर वेब सीरीज के बारे में एक बात कहूंगा, थम्स अप। और इस वेब सीरीज को आपको देखना चाहिए कि नहीं, आप इस वेब सीरीज में टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब इस वेब सीरीज की 9 एपिसोड है, सभी की लेंथ लगभग 40-50 मिनट्स के लगभग है। कोई एक या दो ऐसे एपिसोड होंगे जो 50 प्लस होंगे, जो इतनी मैटर नहीं करती है। तो आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या मुझे इस वेब सीरीज पर अच्छी लगी और नहीं लगी, इसको जानने के लिए मेरे रिव्यू पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में। तो भाई, व्हाट अ वेब सीरीज। मैं एक लाइन पर अगर कहना चाहूँ तो ब्रिलियंट, मतलब इतनी अच्छी ब्रिलियंट डायलॉग्स है इसमें। और प्रतीक गांधी जो स्कैम आपने देखा था, उसके बाद में जो इन्होंने इस पर काम किया, काफी ज्यादा इसकी जो कैरेक्टर उन्होंने मतलब दी है, उन्होंने जो रोल को प्ले किया है, मतलब ना वो आंखों को छू जाते हैं, वो आंखें से मतलब ब्याह कर जाते हैं अपनी सीरीज की। कास्ट के बारे में, तो कास्ट में काफी सारे योद्धाओं को लिया गया है। मेरे कहने का मतलब जो एक्टर है ना, वो योद्धा से कम नहीं है, काफी अच्छी एक्टिंग करके वो गए, उनकी परफॉर्मेंस काफी है। जैसे आशुतोष राणा जी, प्रतीक गांधी, उसके बाद में मतलब कि जो उसमें इंस्पेक्टर बने, क्या नाम है उनका, रिचा मैम, और उनके साथ में मतलब आप जैसे वेब सीरीज देखने जाओगे ना, तो ताश के पत्तों तक एक से एक ऐसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो काफी बेहतरीन काम करके गए हैं, जिसके मतलब के काम आपको छू जाएगी। उनमें एक रिपोर्टर है देशमुख, मतलब अरुण देशमुख नाम के, उनको भी आप जब देखेंगे वेब सीरीज, आपको उनकी भी एक्टिंग दिल छू जाएगी। मतलब लिटरली काफी अच्छी कैरेक्टर के साथ में, और काफी अच्छी उन्होंने रोल को प्ले किया है। बात करें इस वेब सीरीज की प्लॉट की, तो आप लोगों को पता होगा सिक्स सस्पेक्ट जो मतलब की नोवेल है, उस पर आधारित ये जो वेब सीरीज इन्होंने बनाई है, इसी की जो प्लॉट है एक मर्डर के अराउंड ही घूमती रहती है। बात करें विक्की राय, जो एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, काफी बड़े पॉलिटिशियन जिनकी काफी ज्यादा पहचान है पॉलिटिक्स में, पता ही होगा, वाकई बात अगर पॉलिटिक्स में तो पहचान तो हो गई होगी, जिनके अराउंड क्राइम घूमती रहती है, कई सारे केस चलते रहते हैं। उसके बाद में इनकी अचानक हो जाती है मृत्यु, और इस मृत्यु को सॉल्व करने के लिए आते हैं हमारे प्रतीक जी और हमारे ऋचा मैम, और जो मतलब कि इनके अराउंड में जो लुका छुपी का खेल होता है, इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसी के अराउंड पूरी कहानी चलती है, स्टोरी टेलिंग चलती है। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं भी आपको ये जो वेब सीरीज है बोरियत फील नहीं कराएगी, काफी अच्छे से मतलब फास्ट पेस में निकलती जाती है ये वेब सीरीज। कहीं भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि किसी को स्टेज किया गया। हाँ, एक दो जगह ऐसी है जहां पर ना मतलब अनवांटेड सीन्स है, जिसे मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं होती तो भी वेब सीरीज काफी खूबसूरत है और ज्यादा खूबसूरत निकल के आती, जिसे थोड़ा कुछ ना कुछ मिनिमाइज किया जा सकता था। मगर चलो ठीक है, इतनी बड़ी नोकझोंक तो चलती रहती है वेब सीरीज में, तो काफी गंदी गंदी वेब सीरीज आई है। कम से कम ये हमें जो क्राइम थ्रिलर के साथ में कोई वेब सीरीज देखने को मिली है, वो काफी बेहतरीन है। बात करूं इसकी अगर मैं ड्रॉप पॉइंट की, तो ड्रॉप पॉइंट है कहीं कहीं पर वो अनवांटेड जो सीन्स है वो, और बीजीएम मुझे कहीं ना कहीं मतलब ना उसका थोड़ा सा स्लो लगता है, कहीं ना कहीं वो हिट नहीं कर पाती है। बाकी गुड पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को शुरू में नोटिस करवाया था, स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस सभी एक्टर की काफी अच्छी है, जो कैमरा से जो शूट कैप्चर किया गया है वो काफी अच्छा किया गया, प्रोडक्शन वैल्यू मतलब जो खर्चा किया वो नजर आती है इसमें। बाकी ओवरऑल आप लोगों को अगर ये वेब सीरीज देखना चाहिए नहीं, अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, तो आप लोग जाके निश्चित इसे देख सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस वेब सीरीज में, आपको कहीं भी ये खलेगी नहीं। अब मेरे चैनल पर इसी तरह के नेक्स्ट रिव्यू के लिए बने रहिए मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।